ही कतराती है और यही वह नया साहस है, नया भारत है जिसकी इस समय हमें जरूरत है। थैंक यू पोद्दार जी। आफ्टर द श्री राजमणि पटेल। माननीय सभापति जी, सच्चाई के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपको 12 मिनट है। नहीं, माननीय सभापति जी, कल से माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों का काफ़ी गंभीरता से ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था और माननीय मोदी जी ने फिर तक कह दिया कि इस देश में रोजगारी है ही नहीं, हमारे बजट के हर पन्ने में रोजगार है और आंकड़ों के माध्यम से ऐसा बता दिया गया कि बिल्कुल राम राज्य है, किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ कि इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। इनके मेज चांदी के और जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है, आज भी फूटी रकाबी है। माननीय सभापति जी, कोई चैन से सो रहा है, कोई चैन से सो रहा है देश बेचकर, कोई सुहाग मचा रहा है मंगल सूत्र बेचकर। बाप ने उम्र गुजार दी घर बनाने में, अब बेटा उसकी सास खरीद रहा है घर बेचकर। बर्बाद हो गए कई घर दवा खरीदने में, अब कुछ की तिजोरी भर गई जहर बेचकर, जहर बेचकर। इसको नहीं भूलना चाहिए। मैंने सब बजट किसी भी सरकार के कामकाज का और वित्तीय प्रबंधन के बीते कल का इतिहास, वर्तमान का आईना और आने वाले कल का मील का पत्थर होता है। बजट के बारे में चाणक्य ने कहा था कि जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त है उसे संरक्षित करना और जो संरक्षित है उसे समानता के आधार पर जन कल्याण में खर्च करना। प्रजा सुखे सुखं राज्यः प्रजानाम सुहिते हितम नात्म प्रियं हितम राज्यः प्रजानाम तु प्रियं हितम। प्राप्त प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में ही राजा को अपना हित देखना चाहिए। जो स्वयं को प्रिय लगे उसे राजा का हित उसमें नहीं है। ये चाणक्य की रीति माननीय सभापति महोदय। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि हमारी योजना, हमारा बजट ऐसा होना चाहिए कि हमारे समाज में जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ है व्यक्ति है उसको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। ये गांधी जी के विचार थे। माननीय महोदय, अमृत महोत्सव काल के बजट में बड़ा गुणगान किया गया। मैं केवल संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें अमृत पी गए अडानी जी, अमृत पी गए अडानी जी, अजनता पिए हलाहल, और यहाँ सदन में बैठे बैठे सांसद करें कोलाहल। ये है माननीय बजट। इस बजट में चाणक्य तुलसी गांधी के विचारों की कोई झलक नहीं है। हमारे देश के अन्नदाता किसान, बेरोजगार नौजवान तथा रोजी रोटी खोने वाले गरीब, पिछड़े, दलित, इनका कोई भविष्य नहीं है। माननीय सभापति महोदय, FCI 51.83 अरब डॉलर का कर्जा है, दिवालिया होने की कगार पर है, जो इस देश के गरीबों का पेट भरता है। बजट में पुराने वादों के कामों को हेडिंग बदल करके और क्रम बदल करके, नाम बदल करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। कुछ वादे, पुराने वादों का उल्लेख नहीं किया गया है। मोदी जी ने 2017 में कहा था कि 2022 तक नया भारत बनेगा और अब 25 साल बाद बनेगा, ऐसी बात कही जा रही है। 2022 तक 22,000 मंडियों को ई लाइन से जोड़ने, 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने तथा 2015 के बजट में भी
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 3-3 करोड़ के मकान बनाने का वादा किया गया था। 2015 में भी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की बात कही गई थी। स्मार्ट सिटी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, बुलेट ट्रेन का वादा, अच्छे दिनों का सब्ज बाग, सौ सैनिक स्कूल खोलने, गंगा की सफाई जैसे पुराने मुद्दों का कोई हिसाब नहीं है। नई घोषणाओं का क्या होगा भगवान जाने। अमृतकाल के बजट में मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण बजट में कटौती, शिक्षा स्वास्थ्य के बजट में कटौती, गैस पेट्रोलियम के सब्सिडी में 4,000 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। खाद में कोई छूट नहीं, इनकम टैक्स में छूट नहीं। सच्चाई को छिपा करके कितने दिन गुमराह करते रहोगे माननीय सभापति महोदय। सिंह ने कहा है कि भूले नहीं उमंगों की नदी बढ़ती किसे दिन सूख जाती है। कभी होता जो अपना है वही अनजान होता है। कहो इन जुमलेबाजों से कि ये छुपाए नहीं सच को, तिलक के अक्षतों में भी लिखा बनवास होता है। वास्तव में अमृत महोत्सव काल का भारत का ये बजट ही नहीं माननीय सभापति महोदय, ये इंडिया का बजट है। जो नागपुर में लिखा गया है, दिल्ली में छापा गया है और माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में पढ़ा गया है, जिसे कारपोरेट द्वारा सराहा गया है और जुमलेबाजों द्वारा मेज थपथपा करके स्वागत किया गया है, ये ऐसा बजट है माननीय महोदय। इसके भारत नहीं इंडिया की झलक दिखाई देती है। आप इस मुल्क के बर्बादी के आसार नजर आते हैं। दिल्ली के हुकूमत पर बैठे हुए तानाशाह नजर आते हैं। अरे जब जरूरत पड़ी इस देश को लहू की तो हमने दिया, किसानों ने दिया, अब इन हुक्मरानों को वही किसान पाकिस्तानी खालिस्तानी नजर आता है। माननीय सभापति महोदय, शोहरत के फिजाओं में इतना न उड़े यारो, परवाज न खो जाए कहीं ऊंची उड़ानों में, परवाज न खो जाए कहीं ऊंची उड़ानों में। इस देश का अन्नदाता किसान धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा कर दुनिया का पेट भरता है। इसी का एक बेटा सरहद में सीने पर गोली खाकर देश की रक्षा करता है। यही अन्नदाता है जो हमारी जीडीपी को बढ़ाता है। इसी के मानस से मंदिरों में भोग लगते हैं माननीय सभापति महोदय। लेकिन यही अन्नदाता जब अपनी फसल का दाम मांगता है तब गोलियों से भून दिया जाता है और गाड़ियों से कुचल दिया जाता है। मंदसौर और लखीमपुर खीरी इसका उदाहरण है जो सब जानते हैं। यही किसान तानाशाही सरकार से निराश होकर के काले कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर के शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करता है और एक वर्ष के आंदोलन के दौरान 700 किसान शहीद हो जाते हैं। किसानों को कितना प्रताड़ित और अपमानित किया गया है इसे दुनिया के लोगों ने देखा है माननीय सभापति महोदय। किसानों को के भगवान कहने वाली सरकार के यहाँ शहीद किसानों के लिए संवेदना के एक शब्द भी नहीं होते हैं। ये कैसी सरकार है। विषय द्वारा किसानों का समर्थन अगर विपक्ष के द्वारा किया जाता है, कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, तो उसी को के ऊपर गुमराह करने का आरोप लगाया जाता है, झूठे मुकदमे फंसाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन एक वर्ष बाद जो तानाशाह को सच्चाई के सामने झुकना पड़ता है और काला कानून वापस लेना पड़ता है। किसानों ने साबित कर दिया कि किसानों के भी सीने पर छिपे अरमान होते हैं, बचल कर जब निकलते हैं तो वे तूफान होते हैं। माननीय सभापति जी, मोदी जी ने 20 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा किया था। रोजगार बनाने मांगने पर पकौड़ा तलने की सलाह दिया था। इस देश के युवाओं का, इनकी योग्यता का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। युवा शक्ति का सम्मान करो, अपमान करने से भारत नहीं बनेगा। माननीय सभापति महोदय, इस देश की युवा शक्ति का सम्मान
तो आदरणीय राजीव गांधी जी ने किया था। उन्होंने युवाओं को संग करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी इस देश को दिया। उन्होंने इस देश के नौजवानों पर विश्वास किया, 18 वर्ष के नौजवान को मताधिकार दे करके, और कहा कि जवानों तुम्हारी ताकत पर हमें भरोसा है, विश्वास है, जाओ किस तरह का भारत बनाना चाहते हो। ये अधिकार राजीव गांधी ने दिया था जो इस देश के नौजवानों का सम्मान था। माननीय साहब महोदय, इसलिए आज नौजवान कहना चाहता हूँ कि शिशक रही है आज जवानी, शिशक रही है आज जवानी धन कुबेर की बाहों में, अश्रु बहाता बड़ा कृषक है फुटपाथों की गोदी में, नवयुग को धिक्कार है तुमको खून नहीं क्या धमनी में, अरे चूर चूर कर दे घमंड को और शोषक की बाहों को शोषक की बाहों से। माननीय सभापति महोदय, आज देश में 136,000 मिलियन डॉलर का कर्जा है, देश में 10% बेरोजगारी बढ़ी है, 42 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 37% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए विवश हैं, देश में 33,24,000 बच्चे अत्यंत कुपोषित हैं, आज की कई सुदूर पिछड़े इलाकों में बच्चे भुखमरी से मर रहे। मान स्वापन होते एसटी के 28 फेज दे, एससी के 21, ओबीसी के 20, अत्यधिक कुपोषित बच्चे हैं। ऑनरेबल मेंबर, कंक्लूड करने की बात करो प्लीज। आप 6 लाख छोटे उद्योग बंद हो गए जिसमें लाखों लोग बेरोजगार हो गए। माननीय सभापति महोदय, 60 लाख पद खाली है, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में 8 लाख पद खाली हैं, शिक्षा विभाग स्वास्थ्य में खाली हैं, भरे नहीं जा रहे हैं, हमारे बेरोजगार नौजवान ओवर एज हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा नए पद सृजन नहीं किए जा रहे हैं, 60 लाख लोगों को रोजगार देने का सपना दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ पद भरने का विज्ञापन निकलता है, करोड़ों को वसूल लिया जाता है, लेकिन परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो नियुक्ति नहीं होती है। इस बजट में झूठे वादे और जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। माननीय साहब महोदय, 2 मिनट हमारा 15 मिनट का समय था। यूपीए सरकार में थोड़ी सी कीमत बढ़ते थे तो महंगाई डायन का गाना गाया जाता था, आज महंगाई चरम पर है, बोलती बंद है। एक बात यह चल, पेट्रोल ने सेंचुरी मार दी। पटेल जी थैंक यू। 800 पार कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, रेल बिक गई, तेल बिक गया, हवाई अड्डा। पटेल जी, आई हैव कॉल आउट द नेक्स्ट नेम, श्री